छात्रों, आज हम जो कविता देखने वाले हैं उसका नाम है जंगल में मंगल। इसको लिखा है राजेंद्र रघुवंशी जी। तो चलो इस कविता में क्या है वो देखते हैं। जंगल जंगल में सभी पशु पक्षी आनंद पूर्वक रहते थे, लेकिन एक दिन वहां मगरमच्छ और शेर आ गए। उनके आ जाने से सभी पशु पक्षी भयभीत रहने लगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जंगल में पुनः मंगल छा गया। देखो, सभी जो पशु पक्षी इस जंगल के वो सभी आनंदपूर्वक थे, पर एक दिन ऐसा हुआ कि दो जानवर इस जंगल में आ गए और उनके आ जाने से सभी जंगल के जो प्राणी थे वो भयभीत रहने लगे। और जब वो वापस चले गए फिर सब आनंद से रहने लगे। वो किस तरह से आनंद रहने लगे इस कविता के द्वारा हम जानेंगे। तो चलो देखते हैं ये कविता, जिसको लिखा है राजेंद्र रघुवंशी जी ने। कविता का नाम है जंगल में मंगल। कहीं एक सुंदर जंगल था, जंगल में हर पल मंगल था। रोज सुबह सूरज उगता था, सांझ ढले चंदा आता था। वृक्ष फलों से लदे हुए थे, धरती पर भी हरी घास थी। मीठे पानी की नदियां सरसर सर बहती रहती थी। देखो, कहानी की शुरुआत जब करते हैं तब ऐसे ही करते हैं, तो ये कविता भी कहानी की तरह ही है। पूरी कहानी इस कविता में लिखी हुई है, जंगल की कहानी। जंगल में किस तरह का पहले वातावरण था, उसके बाद जंगल में क्या हुआ, यह हम आज देखने वाले हैं। तो चलो, कहीं एक सुंदर जंगल था। जंगल कैसा है? बहुत ही सुंदर है। जंगल में हर पल मंगल था। मंगल का मतलब क्या है? मंगल का मतलब है आनंद। हर पल क्या था? जंगल में मंगल था। रोज सुबह सूरज उगता था, सांझ ढले चंदा आता था। सूरज कब उगता था? सुबह। और शाम होने पर चंदा आ जाता था। सांझ का मतलब है शाम और चंदा चांद। वृक्ष फलों से लदे हुए थे, खाने पीने की कुछ कमी नहीं थी उस जंगल में। सभी को अच्छी तरह से खाना मिलता था। वृक्ष भी फलों से लदे हुए थे। धरती पर भी हरी घास थी। देखो, धरती पर पूरी हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। मीठे पानी की नदियां सरसर सर बहती रहती थी। मीठे पानी की नदी उस जंगल में से बहती थी, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी उस जंगल में। इसीलिए सब जगह पर मंगल था। और ऐसा सुंदर जंगल जहाँ पर ये सभी पशु पक्षी आनंदपूर्वक रहते थे। देखो अभी, घना एक सुंदर जंगल था, जंगल में हर पल मंगल था। पशु पक्षी खुश खुश रहते थे, पानी में डुबकी लेते थे। मन करता तब गाना गाते, संग खेलते धूम मचाते। देखो, यहाँ पर ये जो जंगल है बहुत ही सुंदर भी है और बहुत घना भी है। घना यानी पेड़ों की संख्या बहुत है। घना एक सुंदर जंगल था, जंगल में हर पल मंगल था। जैसे मंगल यानी आनंद। जंगल कैसा है? जंगल में सब कैसे हैं? आनंदित हैं। पशु पक्षी खुश खुश रहते थे। सभी पशु पक्षी एक दूसरे के साथ खुश खुश रहते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। पानी में डुबकी लेते थे। वो मीठे पानी की नदी उस जंगल में से बहती थी, उस नदी में वह डुबकी लेते थे। मन करता तब गाना गाते, संग खेलते धूम मचाते। और ऐसा करने से उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था। मन करता तब गाना गाते, नदी में जाकर डुबकी लेते, धूम मचाते थे। और ऐसा करने में उन्हें कोई भी रोकता नहीं था। और ऐसे उस खुद के मन के मालिक थे वहाँ पर उस जंगल में, इसीलिए वो सब खुश खुश रहते थे। कोई उनके ऊपर कोई उनको धमकाता नहीं था, कोई भी रोकता नहीं था कोई भी काम करने के लिए। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। मन करता तब गाना गाते, संग खेलते धूम मचाते। ऐसे उस जंगल में वो रहते थे सभी पशु पक्षी। देखिए, तब क्या हुआ, ये सब एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। पर बाद में क्या हुआ वो देखो इस कविता में। तभी एक घटना ने सबका दिल दहलाया। मगरमच्छ नदी में आया, कुछ को अपना ग्रास बनाया। उधर शेर ने डेरा डाला, कुछ पशुओं को भी खा डाला। ये दो देखो, अभी ये सब आनंद पूर्वक थे,
और आनंद पूर्वक होने के कारण वो कहीं भी घूम सकते थे, कहीं भी फिर सकते थे, नदी में डुबकी लेते थे, गाना गाते थे, मन करता तो गाना गाते, संग खेलते और धूम मचाते। पर जब एक दिन ऐसा हुआ कि सबका दिल दहलाया, सब घबरा गए, सब इधर उधर भागने लगे। क्यों? देखिए, मगरमच्छ नदी में आया। कौन नदी में आया? मगरमच्छ नदी में आया, कुछ को अपना ग्रास बनाया। ग्रास का मतलब क्या है? देखिए, भोजन, शिकार, कुछ को अपना ग्रास बनाया। जो जो उसके उसके हाथ में आता था, जो जो मगरमच्छ के हाथ में आता था, वो क्या करती? वो खा जाती। जो जो नदी में जाता डुबकी लेने के लिए, उसे वो खा जाती, यानी वो अपना वो शिकार बनाती या फिर उसे भोजन बनाती। कुछ को अपना ग्रास बनाया, उधर शेर ने डेरा डाला। सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं आई जंगल में, नदी में, उस जंगल में शेर भी आया। उसने अपना, उधर शेर ने डेरा डाला, मतलब क्या किया? अपना अधिकार जमा लिया उधर उस जंगल पर, और सभी सभी प्राणियों को वो डराने लगा, धमकाने लगा। जो जो उसके हाथ में आता था उसको खा जाता था, उसे वो अपना ग्रास बनाता था। कुछ पशुओं को भी खा डाला, उसके हाथ में जो जो आए, उसके चपेट में जो जो आए, उनको उसने खा डाला। कुछ को अपना ग्रास बनाया, उधर शेर ने डेरा डाला, कुछ पशुओं को भी खा डाला। तो जंगल में कौन कौन नए प्राणी आए? एक मगरमच्छ जो नदी में आई, और जंगल में कौन आया? शेर आया। और उन दोनों के कारण सबका दिल दहल गया, मतलब सब घबरा गए, भयभीत होकर जंगल में रहने लगे। देखिए आगे, सूंड हिलाता हाथी चलता, गर्दन ऊंट उठाकर चलता, हिरण चौकड़ी भरता रहता, घोड़ा सरपट सरपट भागता, शेर दहाड़ा सर पर पांव धरे सब भागे, शेर झपट्टे मार रहा था। देखिए, ये जो शेर जंगल में आया है वो क्या कर रहा है? ये जो शेर जंगल में आया है वो क्या कर रहा है? सबको डरा रहा है, सबके पीछे पीछे वो भाग रहा है। जो जो उसके चपेट में आता है उसको वो खा रहा है। इसी कारण सूंड हिलाता हाथी चलता, जंगल में से सूंड हिला हिला कर हाथी चल रहा है, गर्दन ऊंट उठाकर चल रहा है। ऊंट कैसे चल रहा है? गर्दन उठाकर चल रहा है कि कहीं कुछ, कहीं शेर न आ जाए मुझे खाने के लिए। सूंड हिलाता हाथी चल रहा है, कहीं कुछ कहीं जगह पर अगर शेर छुपा हुआ होगा तो क्या करेगा? मुझे खा लेगा, इसीलिए अपनी सूंड हिलाकर हाथी चल रहा है। हिरण चौकड़ी भरता रहता, हिरण क्या कर रहा है? देखिए, चौकड़ी का मतलब है छलांग। हिरण तो छलांग लगाकर ही दौड़ रहा है, छलांग लगा रहा है। घोड़ा सरपट सरपट भागता, घोड़ा भी अपनी चाल बदल कर सरपट सरपट अभी भागने लगा है। शेर दहाड़ा, तभी शेर दहाड़ा, सर पर पांव धरे सब भागे। जब शेर का आवाज आया, शेर गुर्राया, शेर दहाड़ा वहां से, तो क्या हुआ? देखिए, सर पर पांव धरे सब भागे, सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शेर झपट्टे मार रहा था। देखो इस चित्र में, जो पाठ्य पुस्तक में चित्र है, कविता में दिया हुआ, उसमें देखिए सब एक के पीछे एक भाग रहा है। जिधर रास्ता मिल रहा है वहां पर वो भाग रहे हैं, और उनके पीछे शेर भी भाग रहा है, और जो जो उसके चपेट में आ रहा है उसको वो खा रहा है। सूंड हिलाता हाथी चलता, गर्दन ऊंट उठाकर चलता, हिरण चौकड़ी भरता रहता, घोड़ा सरपट सरपट भागता, शेर दहाड़ा, सरपट पांव धरे सब भागे, शेर झपट्टे मार रहा था। जो जो उसके चपेट में आ रहा है उसको छोड़ता नहीं था, उसे वो खा जाता, उसे वो मार देता, इसीलिए सब अपनी जान बचाने के लिए उससे भाग रहे हैं। कौवा काव काव कर भागा, कौवा काव काव कर भागा, भूला अपना नाच मयूरा, टहनी से गिर गया चिरौता, मुर्गा पलट रहा था कूड़ा, वो भी भागा कुकड़ुकू कर कुकड़ुकू, फुर फुर उड़ गई चिरैया, शेर उधर जब बढ़ जब कुदराया। देखिए यहाँ पर कौवा जो है, इसके पहले हमने प्राणी देखे, हाथी देखा, ऊंट देखा, हिरण और घोड़ा, जो किस तरह से भाग गए, सर पर पाँव धरे सब भाग गए, उसी तरह जो पक्षी है, कौवा है, मोर है, चिरौटा है, मुर्गा है, ये सभी पक्षी भी उसको देखकर, उस वो आने की आहट लगते ही वो वहाँ से भाग निकले हैं। अब
अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकले हैं। देखो कौवा काव काव कर भागा, कौवा कैसे भागा, काव काव करते हुए वहां से भाग गया, भूला अपना नाच मयूरा। जो मोर है, मयूर यानी कौन, मोर, मोर है वो अपना नाच ही भूल गया है। वो शेर जब उस जंगल में आया तब भयभीत होकर वो अपना नाच ही भूल गया है। टहनी से गिर गया चिरौटा, कौन टहनी से गिर गया, चिरौटा, चिरौटा का मतलब क्या है, चीड़ा, चीड़ा यह पुल्लिंग शब्द है, चिरौटा चीड़ा। टहनी से गिर गया चिरौटा, शेर आते हुए देखते ही यह ऊपर से टहनी से, जो पेड़ पर, पेड़ की टहनी है, टहनी पर बैठा हुआ जो चिरौटा है वो नीचे गिर गया। मुर्गा पलट रहा था कूड़ा, मुर्गा जब पलट रहा था कूड़ा, कचरा जो है वो पलट रहा था, तब क्या हुआ देखो, वो भी भागा कुकड़ू कर कुकड़ू, ऐसे आवाज करते हुए वो वहां से भाग निकला। फुर फुर उड़ गई चिड़ैया, फुर फुर करते हुए वहां से चिड़ैया भी भाग गई है, चिड़ैया यानी चिड़िया। तो शेर उधर बट जब गुर्राया, जब उनके सामने आकर शेर गुर्राया, तब ये सभी वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे हैं। तब देखिए आगे क्या हुआ है, अब यह सभी भयभीत हैं, सभी पशु पक्षी जंगल में जितने भी प्राणी हैं वो सभी भयभीत होकर जीने लगे हैं। अब देखो क्या होता है आगे, मछुए ने एक जाल फेंककर मगरमच्छ को फांस लिया। नदी में एक मछलियां पकड़ने वाला आ गया है, वहां पर मछुए ने एक जाल फेंककर, मछुए का मतलब क्या है, मछुआ यानी मछलियां पकड़ने वाला, मछलियां पकड़ने वाला उस जंगल में आ गया और उसने एक जाल लगाया मगरमच्छ को पकड़ने के लिए। नदी में जाल लगाया और उसमें वो मगरमच्छ क्या हुई, फंस गई। फंसने के कारण उसने उसे पकड़ा और वो लेकर गया। मछुए ने एक जाल फेंककर मगरमच्छ को फांस दिया, मछुए ने एक जाल फेंककर मगरमच्छ को फांस दिया। उधर शिकारी ने एक मचान को खड़ा किया, मचान का मतलब क्या है, देखिए मचान यानी शिकार के लिए बांस आदि से बनाया गया ऊंचा स्थान। वहां पर एक ऐसा शिकारी आ गया उस जंगल में, पहले तो मछुआ आ गया, मछुआ किसे पकड़ने के लिए आ गया, मगरमच्छ को, और शेर को पकड़ने के लिए एक शिकारी उस जंगल में आ गया, जिसने एक बहुत बड़ा ऐसा मचान खड़ा किया जिसके कारण वो आसानी से शिकार कर पाए। एक मचान को खड़ा किया, किसने किया, शिकारी ने, उधर शिकारी ने एक मचान को खड़ा किया। घबराया तब शेर हृदय में लगा सोचने, अगर शिकारी ने मुझको भी बांध दिया तब क्या होगा। उसने मन ही मन में एक सवाल पूछा कि अगर शिकारी ने मुझे उस जाल में फंसा लिया तो क्या होगा, मुझे भी वो पकड़कर कहीं ले जाएगा। इसीलिए देखिए, मछुए ने एक जाल फेंककर मगरमच्छ को फांस लिया, उधर शिकारी ने एक मचान को खड़ा किया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए मछुआ गया और शेर को पकड़ने के लिए एक शिकारी उस जंगल में आ गया। देखिए वो किस तरह से अभी फंसने वाले हैं दोनों भी जानवर, जो सभी पशु पक्षियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मछुए ने एक जाल फेंककर मगरमच्छ को फांस लिया, उधर शिकारी ने एक मचान को खड़ा किया। शेर को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक बहुत बड़ा ऐसा मचान खड़ा किया जिस पर बैठकर वो आसानी से शिकार कर पाए। घबराया तब शेर हृदय में लगा सोचने, अगर शिकारी ने मुझको भी बांध दिया तब क्या होगा। बताओ तुम लोमड़ भाई, वो लोमड़ी भाई लोमड़ी को पूछ रहा है, एक प्राणी है लोमड़ी, उसके साथ है, शेर के साथ ही है, उसको पूछ रहा है कि अभी क्या होगा मेरा, अगर मुझे शिकारी ने पकड़ लिया तो क्या होगा। घबराया तब शेर हृदय में लगा सोचने, अगर शिकारी ने मुझको भी बांध दिया तब क्या होगा। बताओ तुम लोमड़ भाई, वो लोमड़ी को पूछ रहा है कि अगर मुझे शिकारी ने बांध दिया तो क्या होगा, उस मगरमच्छ की तरह। भागो बोला लोमड़ भाई, तभी लोमड़ी बोली कि तुम अभी यहां से भागो। भागो बोला लोमड़ भाई,
अपनी भी अब शामत आई। अब हमारी जान संकट में है, हमें वो पकड़ कर कहीं लेकर जाएगा, हमें मार डालेगा, इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले, वही सही रहेगा हमारे लिए। भागो बोला लोमड़ भाई, अपनी भी अब शामत आई। भाग चला तब शेर सब सहम कर, जीव जंतु सब मगन हुए। मगन का मतलब क्या है? आनंदी। मगन का मतलब क्या है? आनंदी। देखो वो सब के ऊपर अपना धाक जमा रहे थे, मगरमच्छ नदी में सभी प्राणियों को धमका रही थी, उसे पकड़कर अपना ग्रास बना रही थी। शेर सबके पीछे भागकर उनको अपना भोजन बना रहा था, उनको मारकर वो खा जाता था, और इससे छुटकारा पाते ही सबने आनंद मना लिया, सबने खुशियां मना ली। भागो बोला लोमड़ भाई, अपनी भी अब शामत आई। भाग चला तब शेर सहम कर, जीव जंतु सब मगन हुए। सब कैसे हुए? आनंदित हो गए। कब? जब ये दोनों भी जंगल से गए, मगरमच्छ और शेर जंगल से जब वापस गए, मगरमच्छ को मछुए ने पकड़ लिया और शिकारी ने शेर को भगा दिया, इसी कारण सब आनंदित हो गए। मिलजुल कर सब लगे नाचने, घी के सिकने लगे हुए। और आनंदित होने पर सभी क्या करते हैं? स्वादिष्ट भोजन करते हैं। उसी तरह यह जो प्राणी है, उन्होंने मिलजुल कर सभी लगे नाचने, घी के सिकने लगे हुए। जो पुए आटा के बनाए जाते हैं ना, आटे के पुए, वो पूरियां जिसे हम कहते हैं, वो पूरियां बनाकर वो खाने लगे। खाओ पियो मौज मनाओ, नाचो कूदो खेलो गाओ। जिसका डर था भाग गया, अमन चैन का राज हुआ। जंगल में फिर से मंगल था, जंगल में फिर से मंगल था। अब देखिए यहाँ पर फिर से पहले जैसा ही सब रहने लगे हैं। पहले जिस तरह से रहते थे, सभी आनंद ही आनंद थे, उसी तरह अब वो फिर से रहने लगे। सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि खाओ पियो मौज मनाओ, नाचो कूदो खेलो गाओ। जिसका डर था भाग गया, अमन चैन का राज हुआ। अमन चैन यानी सुख शांति। जो पहले थी जंगल में जानवर, जो दो जानवर आने से पहले जिस तरह से उस जंगल में जीवन था, उसी तरह जीवन फिर से हो गया, इसलिए सब आनंदित हो गए हैं। जिसका डर था भाग गया, अमन चैन का राज हुआ। उस जंगल में फिर से सुख शांति नांदने लगी, फिर से सुख शांति आ गई। जंगल में फिर से मंगल था, जंगल में फिर से मंगल था। सभी उस जंगल में फिर से सुख शांति से और आनंद से रहने लगे। जंगल में फिर से मंगल था, जंगल में फिर से मंगल था। और वो दो जानवर चले जाने के बाद फिर से उस जंगल में आनंद ही आनंद था। यहाँ पर यह कविता हमारी पूरी होती है। आपको इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके जो शब्दार्थ है वो आपके नोटबुक में लिख कर देने हैं।